डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत निकायों का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद ये जिम्मेदारी परामर्शी समिति को दी जाएगी और इसका फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में हो चुका है। हमारे साथ पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी मौजूद हैं। सर, 15 जून के बाद अब जो पंचायत में जो त्रिस्तरीय प्रणाली है उसको अब परामर्शी समिति चलाएगी, कैबिनेट की बैठक में और क्या फैसले हुए सर? देखिए, बेसिकली बिहार में पंचायती राज एक्ट में यह कोई व्यवस्था नहीं था कि जब चुनाव किसी कारणवश 5 वर्ष के होने के बाद भी नहीं हो पाएगा, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी कि 5 साल तक सरकार चलेगी, 5 साल पंचायतों में सरकार चले। अब 15 जून को क्योंकि कोरोना की महामारी और फिर बाढ़ आने वाला है, ऐसे परिस्थिति में चुनाव की स्थिति नहीं बन पा रही है। तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि यहाँ पर हम जिस तरह मुखिया काम करते थे पंचायतों में, उसी तरह एक परामर्शी समिति का गठन हम लोगों ने किया महामहिम के राज्यपाल के अनुमति से और ऑर्डिनेंस जारी करके। अब पंचायतों में एक समिति होगा जिसके परामर्शी समिति, उसके अध्यक्ष होंगे मुखिया, उसको सारे पावर होंगे, वित्तीय पावर होंगे और भी जो काम उनको प्रोटोकॉल है वो सारी व्यवस्था उनको उपलब्ध कराई जाएगी। ये कोई इसको चलता हुआ प्रक्रिया माना जाएगा कि 15 तारीख के बाद 16 को कोई ओथ नहीं होगा या कोई फंक्शनिंग नहीं होगा, वो सीधा वो चार्ज ले लेंगे, जिससे कि हम पंचायत में जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है, नीतीश कुमार जी का सपना है कि गांव का विकास पूरी तरह स्थापित हो, नल जल योजना है, गली नली योजना है, या मास वितरण का जो काम हम लोग कर रहे हैं लगातार, सैनिटाइजेशन का काम है, पंचायत सरकार भवन बनाने का काम है, ये सारे काम बनते रहेंगे। उसी तरह प्रखंड में प्रमुख पहले अध्यक्ष होते थे, प्रमुख होते थे, अब उनको परामर्शी समिति का अध्यक्ष बनाया गया, उसमें माननीय विधायक सांसद भी सदस्य होंगे पहले से हैं और पंचायत समिति के सदस्य होंगे। उसी तरह जिला परिषद में भी जिला परिषद के अध्यक्ष को परामर्शी समिति का अध्यक्ष बनाया गया, माननीय सांसद विधायक उसमें सदस्य होंगे और जिला परिषद के सदस्य होंगे। इसलिए सुचारू रूप से काम चलाने के लिए ये टेम्प्रोरी व्यवस्था, मैं बार बार कह रहा हूँ, यह कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है। जैसे ही कोरोना की स्थिति अच्छी होगी और जैसे जैसे लोग आम जीवन जीने लगेंगे, तो हम जरूर आग्रह करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग से कि तुरंत चुनाव की घोषणा करें। जैसा कि आपने भी बताया कि जो परामर्शी समिति होंगी उसमें जो सदस्य होंगे या जो अध्यक्ष होंगे उनकी पावर पहले की तरह ही रहेगी, तो ये हम समझना चाहेंगे कि आखिर दोनों कार्य प्रणाली में अंतर क्या रह गया, क्या इसका मतलब तो अगर उनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया जाता तो भी यही बात होती? नहीं, देखिए, भारत के संविधान में पंचायती राज एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 5 वर्ष से अधिक किसी का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, संविधान में इसकी इजाजत नहीं देता है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में बिहार के ही संदर्भ में आदेश किया है कि आप किसी का 5 साल से अधिक कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते। तो कुछ लोग ये बात जरूर रखते हैं कि भाई कार्यकाल बढ़ा देना चाहिए, लेकिन जब तक कोई चीज कानूनी तौर पर काम नहीं करेगा तब तक उसको फंक्शनिंग का अधिकार नहीं होगा। हाई कोर्ट कोई चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, उसको कैश कर दिया जाएगा, क्योंकि भारत के संविधान में इसकी कोई रूपरेखा में कहीं भी जगह नहीं है। आप चुनाव कराने के पक्ष में थे, हमारी पिछली मुलाकात में भी आपने काफी जोर देकर ये कहा था कि अगर आपको अनुमति मिले हाई कोर्ट की तो आप एक दिन भी इंतजार नहीं करेंगे चुनाव कराने में। अब कोरोना का जो दूसरी लहर में जो केसेस हमने देखे 1 लाख के पार गए, फिलहाल वो 8,000 से नीचे आ चुके हैं, लॉकडाउन जो बिहार में लगाया गया था उसे खत्म कर दिया गया, कोरोना पर दूसरी लहर में नियंत्रण पाती हुई बिहार सरकार दिख रही है, क्या अभी आप इसके पक्ष में हैं कि अब चुनाव का माहौल, चुनाव के लिए जो परिस्थिति है वो बन चुकी है, चुनाव करा देने चाहिए? देखिए, अभी तो नाइट कर्फ्यू हमारा जारी है, बिहार सरकार अपना नाइट कर्फ्यू जारी रखे हुए है और आज भी हम 50 लोग से अधिक को ही 50 लोग ही 20 लोग ही जुटने दे रहे हैं कि एक जगह शादी ब्याह में मात्र 20 लोग ही जुट रहे हैं। तो इस परिस्थिति में अभी अनुकूल नहीं है, लेकिन आगे के दिनों में हमें पूरा उम्मीद है कि जल्द से जल्द ऐसी स्थिति बनेगी कि हम चुनाव के लिए भी तैयार होंगे और बिहार पंचायती राज चुनाव की ओर बढ़ेगा भी।
फिलहाल चुनाव कराने की स्थिति नहीं है बिहार में, लेकिन जैसे ही स्थिति बनेगी, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का ये कहना है कि वो चुनाव कराएंगे और जो त्रिस्तरीय पंचायत में कार्यप्रणाली होती है उसे फिर से सुचारू ढंग से शुरू किया जाएगा।